दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती है ना। अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। अक्षय पात्र। यह कहानी आपको प्रेम और कर्म की प्रेरणा से भर देगी। यह कहानी है एक चमत्कारी अक्षय पात्र की। हजारों साल पहले अक्षय पात्र एक ऐसा चमत्कारी बर्तन हुआ करता था जिसमें भोजन कभी खत्म ही नहीं होता था। यह पात्र हजारों लोगों को एक साथ भोजन कराने की क्षमता रखता था। एक बार एक मंदिर में सेवा करते हुए एक परिवार को यह पात्र मिल जाता है और जब उन्हें इस पात्र की विशेषता का पता चलता है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इस पात्र की मदद से वह गरीब परिवार बहुत धनवान हो जाता है। फिर उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो उनके जीवन को एक नई दिशा में ले जाती है। तो इस अनोखी कहानी के बारे में जानने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और
आपके फेफड़े फूल रहे हैं, फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक समय की बात है, एक गांव में गरीब दास और उसका परिवार रहा करता था। वह लोग थोड़े गरीब थे और खेती करके ही अपना जीवन यापन किया करते थे। वैसे तो गरीब दास सिर्फ खेती ही किया करता था, पर कभी कभी अगर फसल थोड़ी अच्छी हो जाती तो बाजार में भी बेच आता था, जिससे उसे कुछ मुनाफा हो जाता था और परिवार के लिए कुछ दिनों का राशन मिल जाता था। इसी तरीके से वह अपना पूरा साल बिताया करते थे। गरीब दास और उसकी पत्नी सुलोचना का भक्ति भाव में बहुत रुझान था। आध्यात्मिक बातें सुनना, कहानियां पढ़ना और शास्त्र चर्चा करना दोनों को बहुत पसंद था। सुलोचना भी अपने घर को मगन होकर साफ सुथरा रखा करती थी। एक सदाचारी गृहिणी के सभी गुण उसके अंदर मौजूद थे। सुबह जल्दी उठना, भगवान की पूजा अर्चना करना, घर को साफ सुथरा रखना और परिवार के लिए भोजन पकाना, सब कुछ वह बहुत ही शुद्ध भाव से किया करती थी। एक बार उस गांव से गुजरते हुए गरीब दास के घर एक साधु पधारे। गरीब दास ने उनका पूरे आदर सम्मान से स्वागत किया और अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वैसे तो वह साधु बाबा किसी के भी घर भोजन करने नहीं जाते थे। भिक्षा में जो मिल जाता था केवल उसे ही ग्रहण करते थे। लेकिन उस दिन ना जाने उन्हें क्या हुआ, साधु महात्मा ने गरीब दास का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके साथ भोजन के लिए उनके घर चले गए। गरीब दास के घर में कदम रखते ही, जैसे ही चौखट पर उनका पहला कदम पड़ा, उन्हें बहुत ही दिव्य एहसास की अनुभूति हुई। ऐसा एहसास उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे उन्हें पता चल गया कि इस घर पर प्रभु की छत्र छाया तो अवश्य है, परंतु पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्मों के कारण गरीब दास और उसका परिवार दरिद्रता में गुजर बसर कर रहा है। जैसे ही साधु बाबा अंदर आए तो गरीब दास की पत्नी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। साधु बाबा सुलोचना के मस्तक की तरफ देखे जा रहे थे। इतने में ही
गरीब दास बाबा को बैठने के लिए आसन देते हैं। आसन पर बैठते हुए कुछ बताते हुए बाबा बोले, गरीब दास, तुम्हारी पत्नी का भाग्य बहुत उज्जवल है और उसके भाग्य के कारण तुम्हारे बहुत सारे कर्म क्षमा हो गए हैं और बहुत ही जल्दी तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। धैर्य रखना, तुम्हारी गरीबी के दिन अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। गरीब दास ने साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा, साधु बाबा, मुझे तो किसी चीज की कोई इच्छा ही नहीं है। खेत में मेहनत करता हूं, जो भी पैदा होता है उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, जो बच जाता है थोड़ा बाजार में बेच आता हूं, उससे घर का खर्चा चल जाता है। जो भी रूखा सूखा भगवान ने हमें दिया है, हम उसे सर माथे लगाकर और अपना भाग्य समझकर स्वीकार करते हैं। साधु बाबा और गरीब दास आपस में बातें ही कर रहे थे, इतने में सुलोचना भोजन बना कर ले आई। सुलोचना ने रसोई घर को साफ करके बहुत ही शुद्धता से कई तरह के पकवान बनाए और बड़े प्रेम से साधु बाबा को परोसे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भोजन देखकर साधु बाबा बोले, बेटा, वैसे तो मैं पकवान नहीं खाता, पर आज तूने इतनी श्रद्धा से जो भोजन बनाया है तो मैं मना भी नहीं कर सकता। इसलिए तेरा मन रखने के लिए कुछ निवाले तो अवश्य खाऊंगा। साधु बाबा बड़े ही सरल स्वभाव के लग रहे थे और धीरे धीरे भोजन कर रहे थे। गरीब दास और पत्नी सुलोचना दोनों उनके समीप बैठ गए ताकि उनकी जरूरत का ख्याल रख सके। इतने में ही उनके दोनों बच्चे छोटे छोटे कदमों से भागते हुए आए और अपनी मां से लिपट गए। साधु बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी देखकर बोले, माँ, ये कौन है? तो मां ने बताया, बेटा, ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं और आज हमारा भाग्य है जो इन्होंने हमें दर्शन दिए हैं। बच्चे ने व्याकुलता से पूछा, मां, इन्होंने गेरुआ जैसे रंग के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो मां ने जवाब दिया, बेटा, साधु महात्मा ऐसे ही कपड़े पहनते हैं क्योंकि यह अग्नि का रंग है। जब हम दिया जलाते हैं तो नीचे की लौ पीले रंग की होती है और उसका ऊपरी हिस्सा गेरुआ रंग का होता है, इसीलिए साधु महात्मा गेरुआ रंग धारण करते हैं। क्योंकि अग्नि सभी पंच तत्वों में से सबसे शुद्ध तत्व है। सुलोचना की बातें सुनकर साधु बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उसकी बातों पर प्रसन्न हो रहे थे। कुछ निवाले खाने के बाद साधु बाबा ने भोजन की थाली को प्रणाम किया। इसके बाद साधु बाबा फिर से अपनी यात्रा पर निकलने लगे। पूरे परिवार ने दंडवत होकर उन्हें प्रणाम किया और कुछ दिन यहीं रुकने का आग्रह किया। साधु बाबा बोले कि बेटा, मेरा रुकने का तो कोई ठिकाना नहीं, हम तो
मुसाफिर हैं उस परमात्मा के, यात्रा ही हमारा जीवन है, यात्रा के बिना कुछ नहीं। मैं कई दशकों से इसी भूमि पर यात्रा कर रहा हूं, तकरीबन 4 बार पूरे भारत की यात्रा कर चुका हूं, परंतु अभी भी कुछ तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहां जाने का मौका नहीं मिला। इस साल मेरा वही लक्ष्य है। इसके बाद करीब दास ने कोई हट नहीं की। आखिर बहती पवन और साधु को कौन रोक सकता है? यह लोग तो आज में जीने वाले हैं, कल की कोई चिंता नहीं। चलते समय सुलोचना ने जैसे ही दक्षिणा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो बाबा ने बहुत ही सहज भाव से मना कर दिया और कहा, बेटा मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं, जो जीवन के अगले पल देंगे वही हमें पल पल के लिए सब कुछ देंगे। सुलोचना समझ गई और बाबा के चरण छू लिए। इसके बाद बाबा अपनी यात्रा पर फिर से निकल गए। कुछ दिनों के बाद सुलोचना और गरीब दास को ना जाने क्या सूझा और उन्होंने तीर्थ यात्रा का मन बनाया। 10 गांव दूर भगवान शिव का एक मंदिर था जो बहुत ही प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु जल चढ़ाने आया करते थे, तो सुलोचना और गरीब दास दोनों वहां जाकर कुछ दिन सेवा करना चाहते थे। इसीलिए पूरे परिवार के साथ निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पुजारी जी को अपना परिचय दिया और कुछ दिन रुककर सेवा करने का आग्रह किया। पुजारी जी ने भी उन्हें मना नहीं किया और उनका स्वभाव देखकर उन्हें इजाजत दे दी। दोनों बड़े ही पवित्र भाव से सुबह जल्दी उठकर उस प्राचीन मंदिर की सफाई करते और पूजा अर्चना की सामग्री जुटाते। कुछ दिनों में मंदिर का प्रशासन भी उनसे बहुत प्रसन्न हो गया। उनके दोनों बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से भगवान के लिए माला बनाया करते थे। एक दिन शाम के समय सभी श्रद्धालुओं के वापस जाने के बाद गरीब दास और पुजारी जी अकेले में कुछ बातें कर रहे थे। तब गरीब दास को बड़ी जिज्ञासा हुई और उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि महाराज यह मंदिर कितना पुराना है, यहां बड़ी दिव्यता का एहसास होता है, कृपया करके मुझे बताइए कि इस मंदिर की क्या मान्यता है और क्या महिमा है। गरीब दास का भाव समझकर पुजारी जी ने उन्हें एक कथा सुनाई कि बहुत समय पहले यहां एक महान ऋषि मुनि तपस्या करते थे जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से यहां आसपास कोई अपराध या चोरी चकारी जैसी चीजें नहीं होती थी। सारा वातावरण शुद्ध हो गया था। सुना है कि उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उस समय यहां गांव नहीं था,
केवल कुछ लोग रहा करते थे, बाकी सारा का सारा जंगल था और चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन वह हृदय के इतने पवित्र थे कि उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे लिए यही पर्याप्त है, मुझे केवल भक्ति प्रदान कीजिए और मुझे किसी भौतिक वस्तु की कोई इच्छा नहीं है। भगवान उनकी बातों से प्रसन्न होकर उन्हें इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करने का वरदान दे गए। शिवजी ने कहा कि तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से यह तपोभूमि एक श्रेष्ठ भूमि बन गई है, इसलिए तुम यहां मेरे मंदिर की स्थापना करो। तुम्हारे बिना कहे मैं तुम्हारी कठिनाई जानता हूं। यहां साधना करने में तुम्हें बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि यहां जंगल में तुम्हारे जलपान की व्यवस्था नहीं हो पाती, इसीलिए मैं तुम्हें यह अक्षय पात्र प्रदान कर रहा हूं। यह एक चमत्कारी पात्र है, इससे तुम जितना चाहो जो चाहो प्राप्त कर सकते हो और तुम्हें साधना करने में कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हारे शरीर की सभी जरूरत इससे पूरी हो जाएगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और जिस जगह अंतर ध्यान हुए वहां एक पात्र प्रकट हो गया, जो देखने में किसी राजघराने के बड़े से बर्तन जैसा लग रहा था। भगवान शिव ने जैसा कहा महात्मा ने वैसा ही किया और एक भव्य मंदिर की स्थापना की, लेकिन गांव वालों को यह चिंता थी कि जंगल में इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद की व्यवस्था कैसे होगी। मंदिर के स्थापना दिवस के दिन महात्मा ने आसपास के सभी गांव को भंडारे के लिए आमंत्रित किया। कई दिनों तक यही चर्चा चलती रही कि बाबा लोगों को खिलाएंगे क्या, हमें जाकर उन्हें भोजन सामग्री देनी चाहिए। लोगों ने खूब आग्रह किया परंतु महात्मा ने मना कर दिया। लोग इस चिंता में थे कि आखिर स्थापना दिवस के दिन क्या होगा और महाराज सबको क्या खिलाएंगे। देखते ही देखते स्थापना दिवस आ गया और बहुत भारी भीड़ जुटने लगी। हजारों की मात्रा में श्रद्धालु मंदिर में दर्शनों के लिए आए। सारा दिन लोगों की भीड़ जुटती रही और भोजन की प्रतीक्षा करती रही। महात्मा जी ने बरगद के पेड़ों के नीचे सभी लोगों को बिठाया और अक्षय पात्र में से लड्डू, पूरी, बर्फी, कचौड़ी, तरह तरह के व्यंजन निकालते चले गए। लोग यह सब देखकर बहुत हैरान थे। भोजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
और दूसरी तरफ भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। अक्षय पात्र का यह चमत्कार देखकर लोग महात्मा जी की जय जयकार कर रहे थे। उस दिन लोग समझ गए कि ये कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं है, इन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है। परंतु कुछ लोग उस अक्षय पात्र के लालच में पड़कर उसे हड़पना चाहते थे। इसीलिए महात्मा ने उस पात्र को कहीं छुपा दिया और खुद अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, ना महात्मा ना अक्षय पात्र। तब से इस मंदिर को पुजारी जी का परिवार ही संभाल रहा है। यह कथा सुनकर गरीबदास सोने चले गए। अगले दिन पुजारी जी ने गरीबदास से मंदिर के पीछे खेती करने के लिए कहा। जमीन जोतने को कहा उन्होंने। आज्ञा पाकर गरीबदास काम में जुट गया। जमीन जोतते हुए अचानक उसे जमीन के नीचे एक संदूक से टकराने की आवाज आई। संदूक को बाहर निकाला तो उसके अंदर एक बहुत पुराना बर्तन निकला। गरीबदास समझ गया कि ये वही अक्षय पात्र है जिसे ऋषि ने सालों पहले यहां छुपा दिया होगा। उसने जैसे ही यह बात पुजारी जी को बताई, वह बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, गरीबदास तुम धन्य हो। भगवान शिव के आशीर्वाद से जिस पात्र को कोई ढूंढ नहीं पाया, वह तुम्हारे सामने ही प्रकट हुआ। यह कोई साधारण बात नहीं है। इस पर जितना मंदिर का अधिकार है उतना ही तुम्हारा भी है। अब तुम और तुम्हारा परिवार इस मंदिर की धर्म ध्वजा संभालो और मुझे मुक्ति दो। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब यह सब मेरे बस का काम नहीं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। भगवान शिव ने तुम्हें इतने दिनों की सेवा का बड़ा ही सुंदर फल दिया है, इसे तुम अस्वीकार भी नहीं कर सकते। गरीब दास को साधु बाबा की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। इसीलिए भगवान की मर्जी समझकर गरीब दास ने पुजारी जी का आग्रह स्वीकार कर लिया। गरीब दास और सुलोचना दोनों मंदिर का कार्यभार संभालने लगे। अक्षय पात्र की सहायता से उन्होंने मंदिर का उन्हें दिव्य और भव्य निर्माण करवाया। जो मंदिर सालों से खंडहर बना हुआ था, उसका बड़े पैमाने पर निर्माण करवाया। ऋषि की मूर्ति भी स्थापित करवाई
और उनके नाम से एक ट्रस्ट भी बनाया। अब गरीब दास और उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी रहे थे और वह भी समाज की सेवा करते हुए। अवश्य ही यह उनके भक्ति भाव का ही फल था जो उनकी गोद में आकर गिरा। सच ही कहा है किसी ने, जैसी जिसकी भावना वैसा उसका प्रारब्ध, जैसा कर्म वैसा फल। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, कहानी अक्षय पात्र की। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी और अब आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।